हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका इस व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आपने हमारे लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि हम अमृतसर पहुंच गए हैं, है ना। थोड़ा बहुत मार्केट भी घूम लिया है। तो आज हम सुबह सुबह 7:30 बजे ना, अभी देखा अभी 7 बज रहे हैं और हम निकल चुके हैं गोल्डन टेम्पल के लिए। तो ये सब हमारी पूरी सेना आगे जा रही है और मैं और बड़ी मम्मी। हमें ठंड नहीं लग रही है, बाकी वाले टोपे टापे पहने हैं। मुझे, बड़ी मम्मी और मामा को ठंड नहीं लग रही है, जबकि मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है आज। तबीयत ठीक नहीं है, पर चलो बाहर आके अच्छा फील हो रहा है। पर बहुत कोहरा है अभी, तो अभी दिखाती हूँ आपको कैसा यहाँ पे कोहरा कितना हो रखा है, कैसा सीन है अभी सुबह सुबह का। ये देखो, उड़ गए। हम पहुंच गए गोल्डन टेंपल के बाहर। चलो चलो चलते हैं अंदर। चलो मार्केट है पूरी। तो हम सुबह सुबह 7:15 बजे यहाँ पहुँच चुके हैं। हमें लगा था ज़्यादा लोग नहीं थे, बट सुबह सुबह इतने ज़्यादा लोग हैं ना, इतनी भीड़ मैंने कहीं नहीं देखी। हम आए हैं गोल्डन टेम्पल। ये सिखों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, जैसे हमारे लिए केदारनाथ बद्रीनाथ वगैरह है, गंगोत्री यमुनोत्री, वैसे सिखों का सबसे बड़ा ये ना होली प्लेस है। तो यहाँ ना मुझे सबसे अच्छी बात पता क्या लगी है कि जो ये शॉप्स है ना यहाँ पे एकदम वेल वो रखी है डिज़ाइन, मतलब अच्छे से। देखो मैं आपको दिखाती हूँ एक बार पूरी चारों तरफ, तो कैसे दुकान है ना, इतने अच्छे से देखो, अच्छी लग रही है ना दिखने में ही, इतना बढ़िया लग रहा है। ऐसा नहीं कि कोई आगे कोई पीछे, छोटी बड़ी, ऐसे मतलब अच्छी अच्छी दुकानें इन्होंने कर रखी है यहाँ पे। और मंदिर भी है यहाँ पे, एक राधा कृष्ण का मंदिर अभी गया और एक शनिदेव जी का मंदिर आगे आ रहा है। तो बहुत अच्छा लगा है अभी तक मैं जितना यहाँ पे आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब हम यहाँ पे जूते वगैरह निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जमा करने हैं, यहाँ पीछे जमा करने हैं जूते, उसके बाद यहाँ से नंगे पाँव जाएंगे। तो हम आ गए हैं गोल्डन टेम्पल के यहाँ पे मंदिर में अंदर। और वहाँ पे कोहरा इतना है ना कि गोल्डन टेम्पल भी ढंग से नहीं दिख रहा है, और वहाँ इतनी भीड़ लगी हुई है ना अंदर दरबार में जाने की, बहुत ज्यादा भीड़ है दरबार में जाने की। वहाँ सुंदर है गोल्डन टेम्पल। ठंडा है सर, दर्शन कर लिए हमने, अंदर में शूट नहीं कर पाई क्योंकि मना होता है और लाइन भीड़ भी बहुत थी, हमें बहुत टाइम लगा लाइन में, बट फाइनली दर्शन हो गए। तो यहाँ पे लगी है प्रसाद की लाइन, तो यहाँ पे मैं टोकन ले रही हूँ, नेक्स्ट खिड़की में जाऊँगी वहाँ प्रसाद मिलेगा, तो प्रसाद की ले रहे हैं। और घी में बना देगा पूरा घी।
अरे प्रसाद क्या होता है, प्रसाद होता है। रावया क्या खा रहे हो आप? यम्मी है, मैं तो भी खिला दूं मामा को, खिला दूं उनको, प्रसाद खिला मामा को। क्या काम मामा को? नहीं जाती लड़की खाती है, सब खाती है। आ गए हम मंदिर दर्शन करके, बहुत भीड़ थी, बहुत टाइम लगा हमें, एक दो घंटे लगे पर दर्शन हो गए हैं। पर खोरा तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, ये देखो खोरा तो बिल्कुल ही कम नहीं हो रहा है। तो अब हम जा रहे हैं जलियांवाला बाग, वो यहाँ से बहुत पास है, 200 मीटर की दूरी पे, तो पैदल ही जा रहे हैं। कैसा लगा गोल्डन टेम्पल के दर्शन करके आप दोनों को? बोलना चाहेंगे पर जरा साफ नहीं हुआ ना, क्योंकि कोहरा था। हाँ पर दर्शन तो हो गए ना अच्छे से, सुबह सुबह आए तब तो जरा साफ दिख रहा था, पर अब जरा ज्यादा ही धुंध, हाँ ज्यादा ही धुंध हो गई है। घर कट चुके हैं जलियांवाला बाग में, ज्यादा दूर नहीं था, यहाँ से पास में ही था। तो ये है एंट्री गेट जलियांवाला बाग का, और ये यहाँ पे दोनों साइड से स्टैचूज बना रखे हैं। ये मुझे लग रहा है ये उस टाइम के स्टैचू हैं, इस बाग में आए थे और वापस नहीं जा पाए, जिनको यहाँ पे गोलियाँ मार दी गई, शायद ये उन्हीं के स्टैचू। इतनी धुंध है कि कुछ भी ढंग से नहीं दिख रहा है, और टाइम भी 10 बज गए हैं, और फिर भी ऐसा ही मौसम है यहाँ पे, तो क्या करें, ऐसे ही घूमना पड़ेगा। हम गैलरी में एंटर कर चुके हैं, ये पहली गैलरी थी जहाँ पर हम एंटर कर रहे हैं। यहाँ पर जो है ना हिस्ट्री की हिस्ट्री के बारे में है, जो जलियांवाला की हिस्ट्री थी उसके बारे में यहाँ लिखा गया है और दिखाया भी गया है। ऐसे करके यहाँ बहुत सारी गैलरीज हैं, ये कोई यहाँ पे सेकंड गैलरी जहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स जो हमारे देश के थे उनके बारे में लिखा गया है, और उनके फ़ोटोज भी हैं, पूरे देश के फ्रीडम फाइटर। और ये है पंजाब का एंशिएंट टाइम पे, पंजाब कैसा था, स्क्रिप्चर्स कैसे थे, क्या था, किस टाइप का था, पूरा यहाँ पे इलैबोरेट किया गया, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो आराम से आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, समझ सकते हो पंजाब के इतिहास के बारे में कि पहले कैसा था पंजाब का। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कैसे उस दिन जलियांवाला बाग में जो मैसेकर हुआ था वो कैसे हुआ था, यहाँ पे पूरा शो किया जा रहा है प्रोजेक्टर के थ्रू इस वॉल पे। तो ये बहुत अच्छे लगे, जनरल डायर दिखाए जा रहे हैं जिन्होंने यहाँ पे गोलियाँ चलवाई थी, और ये गोलियाँ तब तक चली थी जब तक गोलियाँ ख़त्म नहीं हो गई, तो सारे लोग मर गए। सोच रहे होंगे कि इतना कोहरा है पर क्या करें, 10-11 बज गए बट कोहरा हटने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो अब क्या करें, हम पे टाइम भी कम है तो ऐसी वीडियो बनानी पड़ेगी, तो जितना है वैसे दिखा रही हूँ आप, होप आप इन्जॉय कर सको, आपको अच्छा लगे। ये वो कुआं है जहाँ पे लोग अपनी जान बचाने के लिए कूदते थे जब गोलियाँ चल रही थी, तो सारे बच्चे जवान औरतें बूढ़े सब यहाँ पे इस पे कूद रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। तब ये बंद कर दिया गया चारों तरफ से। यहाँ पर ये हैं बुलेट मार्क्स, जो गोलियाँ चली थी ना तो उसके निशान अभी तक इन दीवारों पे हैं। आज से कितने साल पुराने, 100 से भी ज़्यादा साल पुराने की बात है, 1919 ये बात है, और देखिए अभी तक निशान ऐसे के वैसे ही हैं, सारे बुलेट मार्क्स हैं, जो सब में अंग्रेज़ों ने बुलेट चलाई होंगी ना, तो ये सारे दीवारों में लगे हैं, ये सब उन्हें सिंबल करने के लिए किया, ये सिंबलाइज करने के लिए कि ये मार्क्स हैं जो कि यहाँ में बना हुआ है। यहाँ पे दिखाया गया कि जो मैसेकर हुआ था उसकी खबर ना देश में फैल गई थी, क्योंकि इतना बड़ा काला दिन माना जाता है ना उसे हमारे हिस्ट्री का, इतने लोग मरे थे, सारे निर्दोष लोगों को मारा गया था यहाँ पे। थोड़ा थक गए हैं तो सब यहाँ पे बैठ के रेस्ट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे मम्मी और है, यहाँ पे राव्या छेड़खानी कर रही है, कोहरे की वजह से कुछ भी नहीं दिख पा रहा है, देखिए बिल्कुल भी कुछ ढंग से विजिबिलिटी नहीं आ पा रही है। गैलरी नंबर 4 में हम एंटर कर चुके हैं, और यहाँ पे ये जो नेशनलिज्म के जो वो थे प्रतीक थे, नेशनलिस्ट लोग जो थे पंजाब के, उनकी फ़ोटोज़ यहाँ पे लगी हुई हैं, ये देखिए क्लिक करके। और यहाँ पे भगत सिंह जी के बारे में दिखाया जा रहा है, जो हमारे देश के बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, उनकी स्टोरी दिखाई जा रही है यहाँ पे। यहाँ पे बचपन से लेके जवानी, और जब उनको फांसी की सजा दी थी वहाँ तक का पूरा यहाँ पे दिखाया गया है।
उस बुद्धि का नाम ये सरदार उधम सिंह जी जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया था, लंदन में जाके माइकल डायर को गोली से मार दिया था। ये है अमर ज्योति, ये जो यहाँ शहीद हुए थे ना उनकी याद में जलाई जाती है। तो जलियांवाला बाग घूम के हम आ चुके हैं, अब हम जा रहे हैं दुर्गियाना मंदिर, तो यहाँ से रिक्शा में जाएंगे, तो चलते हैं अभी। हम पहुँच गए श्री दुर्गियाना मंदिर। तो ये है दुर्गियाना माता मंदिर और कितना सुंदर और भव्य लग रहा है। बाहर अलग अलग देवी देवताओं की प्रतिमा लगी हुई है जैसा कि आप सामने देख रहे हो। मैं तो आपकी यज्ञोपवीत को देख रहा हूँ, मैं तुम्हारे जनेऊ को देख रहा हूँ कि तुम ब्राह्मण हो। अगर पक्षे को देख रहा था कैमरा ले आना तो अंदर अलाउड नहीं है, तो हमने तो दर्शन कर लिए है, बट आपको मैं बाहर से दर्शन करा देती हूँ। तो यहाँ पे कृष्ण जी, रुक्मणी जी और सुदामा जी का स्टैचू जहाँ पे वो पांव धुलाते हैं, और यहाँ पे हैं शिव जी जी का, और ये है बलराम और कृष्ण जी का बाल स्वरूप। अरे देखिए पानी के बीचों बीच है एक माता रानी की मूर्ति, सरस्वती माता है ये, और बीचों बीच पानी के ढंग से दिख भी नहीं रहा धूप के कारण। माता रानी के दर्शन करने के बाद हम आ चुके हैं गाड़ी में बैठने के लिए, हमने लंच भी कर लिया है, ब्रेकफास्ट और लंच हमने साथ में किया, तो अब हम जा रहे हैं सीधा पटियाला, क्योंकि शिवम ने भी जाना है अपनी जॉब पे वापस, इसलिए हमें अभी दिन में निकलना पड़ रहा है, वरना तो हम बाघा बॉर्डर भी जाते हैं ना, तो इस वजह से हम सिर्फ बाघा बॉर्डर नहीं जा पा रहे, बाकी जगह तो हम घूम लिए, गोल्डन टेम्पल, दुर्गानी माता का मंदिर है ना, और जलियांवाला बाग। धूप आई नहीं थी एकदम से, तो धीरे धीरे करके धूप आई है, तो गोल्डन टेम्पल मैंने थोड़ा बहुत दिखा दिया आपको, सब जगह दिखा दिया बस। अब चलते हैं वापसी पटियाला, रावली सो गई है।